कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अ साइको एजुकेशनल इंट्रोडक्शन। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक टॉकिंग थेरेपी की तरह है जिसका उपयोग लोगों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह इस विचार पर आधारित है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा भावनात्मक रूप से महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, तथा कैसे व्यवहार, भावना और सोच एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं और व्यवहार को पहचाने जो डिसऑर्डर्ड थिंकिंग या फिर विकृत सोच को बढ़ावा देता है और इस सोच के कारण पैदा होता है। थेरेपी के दौरान साइकोथेरेपिस्ट व्यक्ति को सिखाता है कि मूल्यांकन या इवैल्यूएशन की प्रतिक्रिया के माध्यम से विकृत सोच या डिसऑर्डर्ड थिंकिंग की पहचान कैसे करें। लोग अपने स्वयं के विचारों और वास्तविकता के बीच का भेदभाव करना सीखते हैं और उन्हें अपने स्वयं के विचारों को पहचानना, निरीक्षण करना और निगरानी करना सिखाया जाता है। व्यक्ति अपने स्वयं के विकृत विचारों या डिसऑर्डर्ड थॉट्स की पहचान करते हैं और थेरेपी के दौरान उन्हें सही करना सीखते हैं। परिणाम स्वरूप उनके विचार बदलने लगते हैं। अतः यह व्यक्ति के सोचने और व्यवहार करने के दूसरे सही तरीकों को विकसित करने में मदद करती है, जिसका उद्देश्य तनाव और परेशानियों को कम करना है। इस थेरेपी का उपयोग नशे की लत, क्रोध के मुद्दे, चिंता, डिप्रेशन, तनाव की समस्या आदि मानसिक परेशानियों के इलाज में किया जाता है। इस थेरेपी के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जैसे नकारात्मक विचारों की पहचान करना। यह सीखना बहुत महत्वपूर्ण है कि विचार, भावना और स्थिति कैसे लोगों के ना अनुकूल व्यवहार या फिर मैल अडैप्टिव बिहेवियर में योगदान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया इसकी पहचान करने में मदद करती है, जो थेरेपी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अगला उद्देश्य है नई कला या सीख का अभ्यास करना। नई कला का अभ्यास शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, नशे का सेवन करने वाला एक व्यक्ति नए तरीकों का अभ्यास करना शुरू कर सकता है, जैसे कि सामाजिक स्थितियों से बचने या निपटने के तरीके का अभ्यास करना, जो वापस से बुरी आदतों में पड़ने से बचा सकता है। अगला उद्देश्य है लक्ष्य बनाना। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने में लक्ष्य निर्धारण एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। थेरेपी के दौरान साइकोथेरेपिस्ट आपको अपने लक्ष्य की पहचान करने, छोटे और बड़े लक्ष्यों के बीच अंतर करने और परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के तरीके सिखाकर लक्ष्य निर्धारण कला में मदद कर सकता है। चौथा उद्देश्य है समस्या सुलझाना। समस्या सुलझाने की कला सीखने से आप अपने जीवन में तनावों से उत्पन्न समस्याओं को पहचानने और हल करने में मदद कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। समस्या का हल करने में अक्सर 5 चरण शामिल होते हैं। पहला है किसी समस्या की पहचान करना। दूसरा है संभावित समाधानों की सूची तैयार करना। तीसरा है प्रत्येक संभावित समाधान की शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करना। चौथा है समाधान का चयन करना। और पांचवा चरण है समाधान लागू करना। अगला उद्देश्य है स्वयं निगरानी या सेल्फ मॉनिटर। यह थेरेपी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें समय के साथ व्यवहार, लक्षण या अनुभवों पर नजर रखना और उन्हें काउंसलर के साथ साझा करना आता है। स्वयं निगरानी आपको काउंसलर या साइकोथेरेपिस्ट को सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकती है। थेरेपी से धीरे धीरे प्रगति होती है, जो एक व्यक्ति को उसके व्यवहार परिवर्तन की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाने में मदद करती है।
यह थेरेपी उन लोगों की मदद कर सकती है जिन्हें हल्के और मध्यम स्तर के मानसिक विकार होते हैं तथा जिनमें गंभीर व अत्यधिक स्तर के मानसिक विकार हैं, उन्हें मनोरोग की दवाओं और थेरेपी दोनों की जरूरत पड़ सकती है। नोट: यह लेख पाठक की जानकारी बढ़ाने के लिए लिखा गया है, ना कि इलाज करने के लिए। धन्यवाद।